बहुत ही इंसाइटफुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे गिलगित के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें या ओवर इन जनरल पूरी दुनिया की बात करें, तो हमारी जो जो कॉमन एक साइकी ये है कि मुस्बत चीज़ों को बहुत कम देखते हैं। मैंने देखा है जैसे पाकिस्तान के ही बहुत अच्छे आपको कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिलेंगे, उनके सब्सक्रिप्शंस अल्दो के मिलियंस में हैं, लेकिन व्यूज़ देखेंगे 1 लाख के बीच में अराउंड, फिर आगे नहीं जाती। जबकि डक्की बाई को देखो, करीम नाती को देखो, गालियाँ ही गालियाँ हैं, व्यूज़ देखो तो मिलियंस में, कुछ ही मिनटों में मिलियंस में जाती हैं। तो यहाँ आपको क्या, आपके नज़दीक आपका क्या कमेंट है कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो नेगेटिव कंटेंट की तरफ ज़्यादा जाती हैं और जो मुस्बत जो भी कंटेंट आता है उस पर बहुत कम लोग देखते हैं। सो व्हाट्स द इशू दैट यू सी? सजाद, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरा पर्सपेक्टिव है, ये एक बबल है, ये कब तक रहेगा? आप टिकटॉक की मिसाल ले लें, टिकटॉक में पहले सिर्फ नाचने और गाने वाले जाते थे। देखो, नाचना गाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उधर लोग बस लिप सिंग करके वो गानों पे खुद ही नाचते थे। अच्छा, अजीब गरीब सा वो डांस ला रहे हैं, तो वो समझते थे टिकटॉकर एक गाली बन गई थी, ये टिकटॉकर है यार, छोड़ इसको। समझो अभी क्या है, अभी अच्छे अच्छे व्लॉगर्स, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे इंस्टाग्रामर्स, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस टिकटॉक में जी। तो जो फजूल कंटेंट ला रहे थे, जो ठुमके लगा रहे थे, वो उनका थोड़ा सा ना पीछे स्लो हो गया काम, क्यों टैलेंट आ गया ना, टैलेंट आ गया। इधर भी इस तरह, यूट्यूब में भी इस तरह। ये देखो, अब ये डक्की बाई लोगों ने बहुत मेहनत की शुरू शुरू में ना, इन्होंने अब जिस तरह किए, इनकी नीश पता है गालियों वाली है, तो अब ये आ गए हैं, अब ये गालियाँ नहीं, ये नाते भी पड़ेंगे तो भी ये वायरल होंगे, अगर अच्छा कंटेंट लाएंगे तो भी ये वायरल होंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं, इनकी नीश जो है ना, इनकी पर्सनल लाइफ इनकी नीश है। तो अब इफ़ यू कंपेयर डक्की बाई और कैरी मराठी विद इंटरनेशनल व्लॉगर्स, फॉर एग्जांपल आप उस मिस्टर बीस्ट की बात करें जी, टैलेंट जा के उठता है। समझते हैं ना, डक्की बाई कोई, हमने उसको ना एक बड़ा बहुत यूट्यूब का बाप बनाया हुआ है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केरे मराठी को हमने यूट्यूब का बाप बनाया हुआ, चलो केरे मराठी तो फिर भी ट्रेवल करके दुनिया दिखाता है, डक्की बाई बेचारा बस वो एक फ्रंट कैमरे से स्टार्ट होती है, फ्रंट कैमरे में ख़त्म होती है। समझ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, इससे बड़े बड़े व्लॉगर्स भी बैठे हुए हैं। उसको देखें आप, मिस्टर बीस्ट को देखें, देखा आपने मिस्टर बीस्ट को? आई हैव हर्ड अबाउट हिम, लाजमी देखें। यूट्यूब अपनी पॉलिसी मिस्टर बीस्ट से पूछ के बनाता है। अच्छा, पूछ के बनाता है अपनी पॉलिसी, नया फीचर देगा मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब पे आएगा वो पहले। अच्छा। अब आप कैप्शंस में जाके उर्दू मेंशन करेंगे, अब मिस्टर बीस्ट उर्दू में बोलेगा। क्या बात है, वो फीचर यूट्यूब ने सिर्फ मिस्टर बीस्ट के आईडी पे दिया है, चैनल पे दिया, मेरे आईडी पे चैनल पे नहीं दिए। अच्छा, जो नई फीचर आता है यूट्यूब टेस्ट मिस्टर बीस्ट के पेज से करता है, चैनल से करता है। कंटेंट कैसा है, नेक्स्ट लेवल, वो ट्रैवल करता है दुनिया में। Okay. अच्छा, वो चैरिटी भी करता है। अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव उसके वीडियोस होते हैं, तो जिस तरह मतलब लोग गालियां ही देखते हैं, ऐसा कब तक होगा ये? हाँ, देखते हैं, टैलेंट जा के ना उसने उठना है। that's really अब मुरू देखें, मुरू कितना टैलेंटेड बंदा है। Exactly. लोग मुरू को स्पॉन्सरशिप ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू डक्की भाई। बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा, इरफान जिनेजो है, ये बाप है, Exactly. सब कुछ करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, ड्रोन भी उड़ाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। बिल्कुल, तो टैलेंट ने जा के उठना है, तो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। अच्छा, डक्की बाई की अपनी फैन फॉलोइंग है। हाँ, इसको हम अगर टैलेंट है ना अपना, सजाद आपके पास उठना है। एग्जैक्टली exactly.